सो गाइज, आज हम एक स्प्लिट एसी की सर्विस करने वाले हैं। पहले से मैं वीडियो नहीं बना पाया, अभी इसे मैंने वीडियो ऑन किया है। उसके बाद में हमने एसी वो ओपन किया है बॉक्स को, और उसके बाद में हमने कमर लगा लिया है। देख ही सकते हैं आप कि हमने पंप वम्प सेटअप करके, आप देख ही सकते हैं कि मैं सर्विस कर रहा हूँ उसकी। इसके मैंने फिल्टर वगैरह बाहर का पूरा ये ढक्कन बॉक्स को निकाल दिया है। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे बहुत तरीके से मैं इसे साफ़ कर दिया हूँ। ज़्यादातर इसमें काफ़ी मिट्टी जमी हुई थी, इसके कोयल के अंदर भी काफ़ी मिट्टी जम गई थी, इससे वो ज़्यादा नहीं कर पा रहा था। तो देखिए, तो मैंने इससे अच्छे से उसकी कूलिंग कोयल को भी साफ़ कर दिया है और बॉक्स को भी साफ़ कर दिया है, और मैंने इसको वापस फिटिंग भी कर दिया है। आप देख ही सकते हैं कि मैंने नीचे वीडियो को फर्स्ट किया है, बाकी टाइम लगा है इसके अंदर मिनिमम 30 मिनट लगे थे मेरे को। तो आप देख ही सकते हैं कि एसी को आप खुद सर्विस कैसे कर सकते हैं आप घर पर ही। तो आप इन फिल्टर को ज़्यादातर साफ़ करते रहिए तो आप बिल्कुल कम धूल अंदर जाएगी। तो देख सकते हैं जल्दी से जल्दी मैंने इसको एसी को सर्विस कर दिया है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि धूल मिट्टी चली जाती है और वो कूलिंग कोयल के अंदर जम जाती है, इसीलिए अपना एसी है वो ज़्यादा कूलिंग नहीं कर पाता है। मैंने इसे फिटिंग कर दिया है जल्दी से जल्दी, और इसको कपड़े से साफ़ कर देता हूँ वैसे ही हाथ लगे हुए हैं। तो उसके बाद में आ जाता हूँ बाहर आउटडोर के पास में। तो आउटडोर के पास में अपना घोड़ा वोड़ा मशीन को सेटअप किया, उसके बाद में मैंने आउटडोर को साफ़ करना शुरू कर दिया। आप देख ही सकते हैं कितनी मिट्टी निकल रही है अंदर से, कूलिंग कोयल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है। तो मैंने दोनों साइड से अच्छे से साफ़ कर दिया है, जिससे अभी ये गैस बराबर से जाएगी और ये कूलिंग बिल्कुल ही साफ़ आएगी, कूलिंग अच्छी से ज़्यादा करेगा। इसी अपना किया कि कूलिंग कम करने लगता है तो कोयल के अंदर धूल मिट्टी जम जाती है, इससे वो हवा नहीं ले पाता और गर्म हवा बाहर नहीं फेंक पाता, इसलिए एसी में ठंडी हवा नहीं आ पाती है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे, एसी सर्विस वगैरह की वीडियो और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो के लिए।